नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों हम एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं डिवीज़न अलाटमेंट की लिस्ट लेके। जी हाँ फ्रेंड, इस समय हम बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे कौन से जोन के बारे में, कौन सा डिवीज़न है जिसका अलाटमेंट हो चुका है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पर डिवीज़न का अलाटमेंट हो चुका है। और दोस्तों जिस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जिस जोन के बारे में, वो आपका है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन। और दोस्तों जिसका डिवीज़न अलाटमेंट हो चुका है, देखिए जूनियर इंजीनियर का और टेक्नीशियन का दोनों का डिवीज़न अलाटमेंट की लिस्ट आ चुकी है। कौन कौन सी कैटेगरी में किसको कौन सा डिवीज़न मिला हुआ है, सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और दोस्तों हमेशा आप नए अपडेट्स पाने के लिए, नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये अपडेट जो आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे तरफ से आया हुआ है। तो फ्रेंड्स पहले वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे में कौन कौन से डिवीज़न आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका हुबली डिवीज़न है, UBL UBLS है, हुबली वर्कशॉप डिवीज़न, इसके बाद SBC है, बंगलोर डिवीज़न, फिर MYS है, मैसूर डिवीज़न, MYSS है, मैसूर वर्कशॉप, और हेडक्वार्टर मतलब HQ हेडक्वार्टर ऑफिस जिसका यहाँ पे हेडक्वार्टर में लगेगा वो HQ वहाँ पे मेंशन किया होगा। अब चलिए हम जरूर से देख लेते हैं पूरी लिस्ट को कि दोस्तों कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पे डिवीज़न अलॉटमेंट हो चुका है साउथ वेस्टर्न। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका PDF पूरा फॉर्मेट जो यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आपका ये है लिस्ट है टेक्नीशियन एंड जूनियर इंजीनियर का जिसका JE इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप मिला हुआ है। देखिए आपका यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किया गया है, यहाँ पे कैंडिडेट नेम है। फिर इसके बाद देखिए आपके राइट कॉर्नर में, यहाँ पे देखिए राइट साइड में डिवीज़न या फिर यूनिट जो अलाट हुआ है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखिए मैसूर है, मैसूर वर्कशॉप है, हुबली वर्कशॉप है, देखिए दोनों में आपका ये JE के लिए यहाँ पे आपका हुआ है डिवीज़न अलॉटमेंट। फिर देखिए JE का इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेशन का है, इसमें आपका SBC MYS मैसूर और इसके अलावा हुबली वर्कशॉप सब देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ है, जो जो डिवीज़न यहाँ पे अलॉट हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करता रहूँगा, देखिए यहाँ पे जिसका जिसका अलॉटमेंट हुआ है देखिए सब लोग अपना रोल नंबर या फिर नाम मैच कर लीजिएगा। और उसको करीब 40 के आसपास पेजेस होंगे जो टोटल मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं डिवीज़न अलाटमेंट की लिस्ट में। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे है जो बिलोंग करते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे से, तो प्लीज़ कैंडिडेट सभी यहाँ पे अपना मैच करवा लेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे डिवीज़न अलाटमेंट हो चुका है और उनको कौन कौन सा डिवीज़न मिला हुआ है। देखिए आपका JE डीजल इलेक्ट्रिकल का है ये, फिर देखिए आगे JE डीजल मैकेनिकल का आ चुका है जिसमें देखिए यहाँ पे डिवीज़न अलाटमेंट हो चुका है, JE मैकेनिकल वर्कशॉप का आ गया है। और फिर देखिए आपका JE मैकेनिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेशन का आ गया, JE सिविल डिज़ाइन डिजिग्नेशन ड्रेग्नेशन एंड एस्टीमेशन का आ चुका है ये। और फिर देखिए आगे यहाँ पर JE PVA का है ये, JE PVA के बाद देखिए आपका इसी तरह क्रम में हम आगे बढ़ते रहते हैं तो आपका JE वर्क्स का भी आ गया। और फिर देखिए दोस्तों आगे हम बढ़ते रहेंगे, आपका JE का जब ये ख़त्म होगा इसको डाउन करते करते तो आपका आने लगेगा टेक्नीशियन का। अब मैं आपको सीधे चलता हूँ टेक्नीशियन वाले पेज पर, देखिए इसको पूरा दिखा दूंगा, फिर बात करेंगे टेक्नीशियन वाले पेज पे कि वो कौन कौन से कैटेगरीज़ हैं जिनके यहाँ पर डिवीज़न अलाटमेंट आ चुके हैं। देखिए कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर पर ज्वाइनिंग होने वाली है, हेडक्वार्टर देखिए इनको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर HQ लिखा हुआ डिवीज़न अलाटमेंट में, JE SNT टेलीकम्युनिकेशन के लिए है। तो इसी सिलसिले में दोस्तों हम आगे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे और सभी नाम जितने भी नाम यहाँ पे हैं, जितने भी रोल नंबर हैं, सब हम आपको यहाँ पे मेंशन जो किए गए हैं दिखा दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए जो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे अलाटमेंट हो चुका है। प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में S लिखिएगा या किसी के फ्रेंड का है तो भी S लिखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा ताकि जो भी फ्रेंड्स आपके हैं अगर वो साउथ वेस्टर्न रेलवे से हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने डिवीज़न अलाटमेंट की लिस्ट जो है इजीली देख सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप पूरे इस पेज को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं अपना। अब देखिए उससे यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd सिग्नल का चल रहा है, ये दोस्तों ALP और टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर डिवीज़न अलाटमेंट हो चुका है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कैंडिडेट यहाँ पर हैं जिनको डिवीज़न अलाट किया गया है टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए। फिर देखिए फ्रेंड्स इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते रहते, देखिए यहाँ पर लगभग काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे टेक्नीशियन के हैं जिनका यहाँ पर लगभग टेक्नीशियन अलाटमेंट डिवीज़न अलाटमेंट हो चुका है टेक्नीशियन कैंडिडेट्स का, और कैटेगरी वाइज वो भी हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3rd ट्रैक मशीन के लिए है ये कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर अलाटमेंट हो चुका है। देखिए ब्रिज का है, फिर कारपेंटर का है, फिटर का है, इन लोगों का भी हो चुका है, मैशन का है, स्किल्ड फिटर का है, मल्टी स्किल्ड फिटर का है जिनका यहाँ पर डिवीज़न अलाट हो चुका है। फिर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3rd पेंटर का है, प्लम्बर वेल्डर कैटेगरी नंबर 146 है, कैटेगरी नंबर 148 है जिनका अलाटमेंट हो चुका है।
इलेक्ट्रिकल पावर का भी हो चुका है यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट। फिर देखिए आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग का हो चुका है, ये भी टेक्नीशियन कैटेगरी में आते हैं जिनका यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुका है। इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप के लिए हो चुका है देखिए। टेक्नीशियन ग्रेड थ्री थर्ड इलेक्ट्रिकल एंड टीआरडी का देखिए आपका अलॉटमेंट हो चुका है। इसमें भी मैक्सिमम कैंडिडेट को आपके हुबली डिवीज़न मिला हुआ है, यूबीएल देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है साउथ वेस्टर्न रेलवे में। फिर देखिए ये आपका कैटेगरी नंबर नहीं शो कर रखा है यहाँ पे। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल टीआरडी ओएचई डिपार्टमेंट में है, टीआरएस डिपार्टमेंट में है, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में है। देखिए ऐसे भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनका अलॉटमेंट हुआ है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी में देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पर टेक्नीशियन में और जेई में अलॉटमेंट हो चुका है। देखिए ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर वर्कशॉप के लिए है जिनका यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है, डिवीज़न उनका मेंशन कर रखा है यहाँ पे। फिर देखिए आपका मैसूर, ये आपका लगभग 40 पेज चल रहा है और टोटल जो पेज आपके हैं वो 47 है। मैं आपको पूरा पेज स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। आगे दोस्तों बढ़ते रहते हैं और देखिए ये आपका लगभग यहाँ पे हम अगर आगे बढ़ते रहते हैं देखिए आपके लगभग यहाँ पे 256 कैंडिडेट इसमें थे। और अब देखिए टेक्नीशियन थर्ड मशीनिस्ट का है वर्कशॉप का, इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे। यहाँ पे मैसूर देखिए वर्कशॉप भी मिला हुआ है, मैसूर भी मिला हुआ है, यहाँ पे 24 कैंडिडेट्स हैं। टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड थर्ड टर्नर के लिए है वर्कशॉप में। और तो यहाँ पर देखिए आपके लगभग 17 कैंडिडेट्स हैं टेक्नीशियन थर्ड कारपेंटर वर्कशॉप के लिए। केवल एक कैंडिडेट्स है सोनू कुमार महतो जिसको यहाँ पे हुबली डिवीज़न मिला हुआ है, हुबली वर्कशॉप डिवीज़न। और फिर देखिए टेक्नीशियन थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल का है, इसमें देखिए आप यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी डिवीज़न अलाट हो चुका है, 38 कैंडिडेट्स हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल मैकेनिकल के हैं, इसमें भी आपके देखिए एसबीसी यूबीएल मैक्सिमम कैंडिडेट्स को मिला हुआ है। और यहाँ पे लगभग टोटल जो कैंडिडेट हैं वो है आपके 89। फिर देखिए टेक्नीशियन थर्ड पेंटर वर्कशॉप का है जिसमें आपका डिवीज़न अलाट हुआ है। और यहाँ पर दो केवल कैंडिडेट्स हैं जिनका यहाँ पे डिवीज़न अलाटमेंट हुआ है, लगभग दो ही सीट रही होगी। टेक्नीशियन थर्ड ट्रिमर का है वर्कशॉप के लिए, यहाँ पर भी दो कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे डिवीज़न अलाटमेंट हुआ है और डिवीज़न मिला है उनको हुबली वर्कशॉप। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वेल्डर वर्कशॉप का है, देखिए यहाँ पर मैसूर हुबली डिवीज़न और इसके अलावा मैसूर और हुबली दोनों वर्कशॉप डिवीज़न आपके मिले हुए हैं जिनको अलॉट किया गया है, वो बहुत जल्द दोस्तों ज्वाइनिंग इनकी आने वाली है। तो फ्रेंड्स इसी सिलसिले में अगर हम आगे बात करते हैं तो मैक्सिमम ऐसे बोर्ड्स हैं जिन्होंने अपना डिवीज़न अलाटमेंट का लिस्ट दे दिया है और ज्वाइनिंग भी घर पर भेजना शुरू कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद जोन की, जो काफ़ी स्लो यहाँ पर माना जा रहा है, तो फ्रेंड्स इसका भी ALP का बस एक बार ज्वाइनिंग हुआ है, दोबारा से ज्वाइनिंग का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। सभी कैंडिडेट का प्रोविजनल पैनल लिस्ट तो निकाल चुके हैं लेकिन कोई भी डिवीज़न अलाटमेंट लिस्ट अभी तक नहीं आई है। काफ़ी टाइम हो रहा है, ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई अपडेट इलाहाबाद डिवीज़न से डिवीज़न अलाटमेंट की नहीं दी है काफ़ी टाइम पहले से। तो फ्रेंड्स इनको चाहिए जल्दी से जल्दी सभी जो है कंप्लीट करके पूरे डिवीज़न अलाटमेंट की लिस्ट जो है वो पब्लिश कर देनी चाहिए। बच्चे काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो फ्रेंड्स जिसको वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी बात को बोर्ड तक पहुंचाइएगा, इलाहाबाद बोर्ड तक, ताकि वो जल्दी से जल्दी डिवीज़न का अलाटमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और फ्रेंड्स ये मेरे चैनल के बारे में है, देखिए सबसे पहले दोस्तों टेक में गुरु जी आपका ये यूट्यूब चैनल आपके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता है, आपके लिए क्रिएट किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी नए अपडेट होते हैं चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या फिर रेलवे संबंधित, तो सब आपके अपडेट यहाँ पे मिलते रहते हैं। दोस्तों मुझे अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है himanshu.maurya12। और दोस्तों इसके अलावा ट्विटर पे मुझे आप himanshu12653 पे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरे पेज को फॉलो करने के लिए टेक में गुरुजी आप सर्च करेंगे, सबसे टॉप पे मेरा मिल जाएगा फ्रेंड्स। और टेलीग्राम में मेरे चैनल से ऐड होने की, जहाँ आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं, नए नए न्यूज़पेपर्स या फिर कोई नई अपडेट होती है उससे पहले आपको वहाँ मिल जाती है। टेलीग्राम सिंपली आपको सर्च करना होगा टेक में गुरुजी और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ प्रोसेस जो है आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल आपको पसंद आता है, हमेशा नए अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।